1000 रुपये डीबीटी के माध्यम से हम इनके अकाउंट में देने की सहमति प्रदेश सरकार ने दी है। कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में जारी है और अभी तक इस वायरस की काट किसी भी देश के पास नहीं है और इससे दुनिया में मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया इस दैत्य के सामने असहाय सा महसूस कर रही है और कुछ नहीं। और इस दैत्य से बचने का जो उपाय वो ये है कि आप दूरी बनाकर रखें और ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा ना हो और सावधानी बरतें। और इसी को लेकर पूरी दुनिया की सरकारों ने लॉकडाउन लगाए हुए हैं और इसका रिजल्ट ये है कि इससे जो जहां है वहीं फंसा है और अब लोग भूख जैसी परेशानियों से सामना कर रहे हैं। और ऐसे में देश में स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकार और लोकल स्तर पर लोग वैसे फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकारें और पार्टियां भी पीछे नहीं। इसी कड़ी में मेडिकल की तैयारी राजस्थान के कोटा से कर रहे युवकों की तकलीफ को देखते हुए यूपी सरकार ने 300 बसों को भेजकर सभी तैयारी कर रहे 7000 से भी ज्यादा छात्रों को वापस उनके घर भेज दिया है। और इस काम को देखते हुए प्रियंका गांधी और मायावती ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने संदेश में कहा कि यूपी सरकार कोटे में फंसे छात्रों को वापस लेकर आई है, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। लेकिन सरकार के गैर राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूरों की भी चिंता करनी चाहिए जो अपने घर जाना चाहते हैं। इससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने भी छात्रों को लाने की सराहना करते हुए मजदूरों की व्यवस्था करने की मांग की थी। फिर दोनों विपक्ष के नेताओं ने एक साथ ये भी कहा कि यूपी सरकार को मजदूरों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए जिससे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाया जा सके। यहाँ पर एक बात कहना होगा कि जिस तरह से सीएम योगी यूपी को चला रहे हैं, जिस तरह कोविड-19 को लेकर काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी जनता और राजनीतिक गलियारों में काफी तारीफ हो रही है। और एक तरह से सीएम योगी की सीएम बनने के बाद जो छवि उभरी है वो काफी शानदार है। और कई तो अतिशयोक्ति बस ये भी कहने लगे कि पीएम मोदी के बाद पीएम बनने का एक ही उम्मीदवार है और वो है सीएम योगी। लेकिन एक बात कहनी होगी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इसकी तारीफ विरोधी करें तो शानदार मानी जाती है। और आज सीएम योगी की तारीफ कर विपक्ष ने उनके काम पर मुहर लगा दी है।